हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन आया और 30 अगस्त को स्कूल खोले जाएंगे, ये सुनकर नौजवान बच्चे जो शागिद हैं वो इंतहाई परेशान हुए, उदास भी हुए। उनसे उदासी भाई नहीं गई तो वो रोडों पे आ गए, प्रेस क्लब के सामने आज बहुत बड़ा एहतजाज किया हुआ है और इन शागिदों का कहना है कि हमारी तालीम हमें चाहिए, 2 सालों से जो हमें नहीं मिली है। बात करते हैं नौजवान शागिदों से, इनका क्या कहना है। जी हमें 2 साल हो गए, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन में जो कुछ पढ़ा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत सारा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 2 साल से कुछ भी जो भी पढ़ा था या उससे भी पहले हमने कुछ पढ़ा था सब भूल गए हमें। एक तो ऑनलाइन क्लास के बाद में फिज़िकल पेपर्स, ये क्या मसला है। अगर ऑनलाइन क्लास हैं तो ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ, ऑनलाइन क्लासें भी हैं, फीसें भी हैं और फिज़िकल पेपर है, ये सरासर एक गलत है, इंतकाम है हमसे, शागिर्दों से इंतकाम है, पता नहीं कौन सा इंतकाम है, हमने कौन सा गुनाह किया है। आप क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं हमसे फीस ली जाती है यूनिवर्सिटी में बाकायदा और हमें उसकी तालीम नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और हमें उसकी तालीम नहीं देती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑनलाइन पेपर लेने चाहिए, ये फिज़िकल हमारे पेपर लेते हैं फिर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं ये। हाँ जी, इनका यही मुतालबा है, बल्कि यही कहना है कि स्कूल खोले जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ ताकि मुस्तकबिल के मेहमान अपनी पढ़ाई जारी कर सकें। 2 सालों से जो उनको नुकसान हो रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, आने वाली नस्लों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।